अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बता दूं उनको कि प्राइवेट अकोमोडेशन और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने खुद भी कहा था कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप बैंगर में जो है प्राइवेट अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं इन बैंगर और बाकी भी जो जगह हैं। बहुत सारी जगहों पे जो है कुछ सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो वर्क करती हैं फॉर द स्टूडेंट अकोमोडेशन, बट स्पेशली जो लोग बैंगर आ रहे हैं या बैंगर में स्टे करना चाह रहे हैं वो लोग अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक नहीं करवा रहे। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन कैसे बुक करवानी है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि क्या प्राइसेस हैं, किस तरह के रूम्स होते हैं, किस तरह से बुकिंग करनी है और किस तरह से आप यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने प्राइवेट अकोमोडेशन कैसे लेनी है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं उस सूरत में भी आप ले सकते हैं, और अगर आप सिंगल आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इस सूरत में भी आप अकोमोडेशन ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रिसर्च की है और कुछ अच्छी प्लेसेस जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं जहाँ से आप लोग जाके रूम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा इन सब के मैं लिंक्स और जो है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो देयर, वेबसाइट्स हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं अपनी मर्जी का रूम और अपनी मर्जी की जो है अकोमोडेशन वो बुक करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ प्रमोशनल नहीं है, मैं इनमें से किसी को पर्सनली नहीं जानता, कोई पर्सनल प्रमोशन कुछ भी नहीं है। यू कैन जस्ट गो देयर एनी वेयर यू वॉन्ट और जो आपको अच्छा लगता है आप वो अपने लिए बुक करवा दें। मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि पर्सनली हर बंदे को जवाब देना इन बॉक्स में डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो पहली जो मैंने वेबसाइट देखी है वो है स्पेयर रूम। स्पेयर रूम पे जाके आप लिखें बैंगर या फिर बैंगर का पोस्ट कोड जो है वो आप डालें। बैंगर का पोस्ट कोड आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप जस्ट लिखेंगे तो, अदरवाइज LL57 आप अगर टाइप करेंगे तो बैंगर का एरिया ही आपको आएगा। इसके अलावा वहाँ पर आप बैंगर भी लिख सकते हैं। जैसे ही बैंगर लिखेंगे, बैंगर में जितनी भी अकोमोडेशन होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और वहाँ पर जाके आप वहाँ पर प्राइवेट अकोमोडेशन के कुछ जितने भी लोगों ने देना होता है, रूम देना होता है, कुछ भी देना होता है, तो स्पेयर रूम पे जाके आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। दूसरी जो मैंने आपके लिए निकाली है ये भी बैंगर में है, क्लोज है, हाई स्ट्रीट में है, और स्टूडेंट जो मैंने स्पेयर रूम बताई है वहाँ पर फैमिलीज़ के लिए भी आपको मिल जाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी मिल जाएंगे, या जो लोग शेयरिंग में करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं जिस तरह से आप लोग मैनेज करना चाहते हैं वो आपका मैनेज हो जाएगा। अब जो मैंने दूसरी निकाली है वो है bangerstudent.com। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडियोज, फ्लैट, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और सारी डिटेल्स होती हैं, सिंगल रूम, वन रूम, टू रूम, फाइव रूम, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड हेयर एट ऑन bangerstudent.com। यहाँ पर आप जाएं, और इसका भी लिंक मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सबके वेबसाइट्स जो है इसके मैं लिंक्स आपके अकोमोडेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहाँ पर जाके आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली ताकि आप लोगों को अकोमोडेशन बुक करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। दूसरी, एक तीसरी जो मैंने निकाली है वो ये है, यूनिवर्सल स्टूडेंट लिविंग। नियॉर्ड कैफीन के नाम से एक वेबसाइट है, universalstudentliving.com, और ये भी हाई स्ट्रीट में ही है, यहाँ यूनिवर्सिटी से 5 मिनट्स वॉक पे है, और वहाँ पर जाके आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। ये तो हो गई 3 वेबसाइट्स जो मैंने आपके लिए निकाली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें से बहुत सारी चीज़ें प्लेसेस ऐसी हैं, अकोमोडेशन ऐसी हैं जो कि फैमिलीज़ के लिए नहीं हैं, जो कि जस्ट स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो आपको स्पेयर रूम पे मिलेगा, स्पेयर रूम के लिए आपको फैमिली के लिए मिल सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी होंगी। अब आपने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो यहाँ पर रह रही हैं उन्होंने सिंगल बंदे ने रूम लिया होता है। बहुत सारे जो लैंड ओनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं। आप जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने लैंड ओनर्स को पहले नहीं बताया होता कि वी आर कपल्स, तो हमने कपल में लेना है या शेयरिंग में लेना है। वो सिंगल बंदा ही आके रूम लेता है, उसके बाद 1-2 रोज़ में मैनेज करके साथ फैमिली को भी या बच्चों को भी वो रख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लैंड ओनर जो है इशू क्रिएट नहीं करता इतना ज़्यादा, बट कभी ना कभी कर भी सकता है। तो इस सिचुएशन में आप बेस्ट चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ना करें। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि अकोमोडेशन का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने की हुई है
और मैं पछता रहा हूँ. सो डोंट डू अ लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट. जितना मिनिमम हो सकता है 2 महीने 3 महीने, या फिर कोई ऐसा कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट आपका हो ही ना, बस आप 1 महीना पहले उनको नोटिस पीरियड दें और आप छोड़ के चले जाएं. ये चीज़ तो सबसे बेस्ट है जो आप कर सकते हैं. और इसके अलावा ये थी अकोमोडेशन. और मैंने आपको बता दिया कि फैमिलीज़ के साथ आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. बाकी जो नॉर्मली प्राइस की रेंज है वो 400 से स्टार्ट होती है, 400 मंथली, 400 से लेके 500 तक जाता है सिंगल रूम. सिंगल रूम होगा, वॉशरूम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ज़्यादा टाइम पे दो लोगों के साथ शेयरिंग होता है. और लाइक दो रूम्स हैं तो एक वॉशरूम वो दो रूम्स वाले शेयर करेंगे, इस तरह से होता है. जो किचन है वो या तो एक फ्लोर का होता है या पूरी बिल्डिंग का होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 लोग एक किचन यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम 8 लोग भी यूज़ करते हैं. इन माई बिल्डिंग वी आर शेयरिंग विथ 10 पीपल, बट इतना ज़्यादा इशू नहीं होता. बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी होती हैं. जितने ज़्यादा लोग होंगे फिर किचन में भी उस तरह से हर चीज़ मैनेज हो जाती है, जिसमें आपका स्टोव होगा, आपका कैटल, अवन, माइक्रोवेव, फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर किचन. और वॉशरूम विल बी शेयरिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दिस इज़ हाउ यू कैन बुक द प्राइवेट अकोमोडेशन इन बैंगर. और इसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गोना शेयर यू विद सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक वट यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ, किस तरह के क्लॉथ्स लेके आए, बैंगर का इन्वायरमेंट कैसा है, बैंगर में किस तरह की चीज़ें हैं. वेलकम वीक जो यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा है वो प्रोबेबली 13 से स्टार्ट हो रहा है. 13 से मैनचेस्टर से जो जितने भी लोग 13 को आ रहे हैं यूनिवर्सिटी या मैनचेस्टर आ रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ. जितने भी लोग मैनचेस्टर लैंड कर रहे हैं 13 को, वो लोग यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और जिन्होंने ट्रेन्स बुक करनी है या जो भी करना है, यूनिवर्सिटी की पिकअप होगी 13th of September को. और 13 September को आप लोग यूनिवर्सिटी की उस पे ट्रांसपोर्ट पे यहाँ आ सकते हैं. पेड होगी, आपको उसका पे करना होगा, बट डोंट बी लाइक दैट. हो सकता है आपको यहाँ पर आके पे करना हो, इतना कोई इशू नहीं. एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर आई विश कि मैं भी वहाँ पर होऊंगा, माइट बी इन स्टूडेंट को पिकअप्स के लिए. और बिकॉज हम लोगों की जो स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं उनमें से कुछ लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, डिफरेंट जगह पे असाइन किया होता है कि आप लोगों ने ये चीज़ें करनी हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से मुलाकात होगी अगर आप लोग बुक करेंगे यूनिवर्सिटी की पिकअप. सो दैट विल बी ईजी और कन्वीनियंट फॉर यू. ये भी कोई प्रमोशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं एम्बेसडर हूँ यूनिवर्सिटी का, तो आई विल जस्ट शेयरिंग कि अगर आप 13 को आ रहे हैं तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. बिकॉज इतना ज़्यादा लगेज उठा के मैनचेस्टर से आप ट्रेन पे आएंगे तो बीच में 2-3 दफ़ा ट्रेन चेंज भी होती है. मैनचेस्टर से कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं आती, 1 या 2 चेंजेस होते हैं, तो बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होता है. तो आप जब फर्स्ट टाइम लैंड करेंगे तो वो डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ नहीं लगती कि यार सेकंड ट्रेन अब कहाँ पर आएगी, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे करना है. ड्यूरेशन 10-15 मिनट का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेन लेट होती हैं. तो इस सारी चीज़ों के से बचने के लिए अगर आप 13 को आ रहे हैं, यू कैन बुक अ यूनिवर्सिटी पिकअप सर्विस. दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. और आपको वहाँ पर छोड़ेंगे जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन होगी, आपको वहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा. उसके अलावा जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो आई थिंक 23 से स्टार्ट होगा. वन वीक जो 13 टू से पिकअप है, एंड देन नेक्स्ट वीक जो है ऑल वेलकम वीक होगा, जिसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होंगी. फिर लास्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, नेशनल पार्क, वहाँ पर एक टूर अरेंज होगा. उसके बाद नेक्स्ट वीक से प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर द बैंगर सेप्टेम्बर इनटेक. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द पिकअप एंड फॉर द बुकिंग द अकोमोडेशन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर एज आई ऑलरेडी से लाइक वट यू हैव टू कैरी, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लेके आया. आई नो इट्स अ स्मॉल टाउन, बहुत सी डिफिकल्टी होती है यहाँ पर आके. तो डिटेल में आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स के वट यू हैव टू कैरी और वट यू डॉट. सो टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.